राज्यसभा चुनाव को लेकर अब खेमेबाजी और भी तेज हो गई है। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव है, लेकिन इसी बीच पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पटना में मौजूद हैं और वो तमाम लोगों को बुलाकर अपने आवास पर एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। जी हां, बिहार से एमएलसी हैं महेश्वर सिंह, जो हाल ही में जीत कर आए हैं। वो अभी अभी आरसीपी सिंह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है राज्यसभा चुनाव को लेकर, और एमएलसी प्रत्याशी जो अभी निर्दलीय जीत कर आए हैं महेश्वर सिंह, वो पहुंचे हैं आरसीपी सिंह से मुलाकात करने। बड़ी खबर बता रहे हैं वो आरसीपी सिंह से मुलाकात के बाद क्या कुछ नजारा होगा, किन मुद्दों पर चर्चा हुई होंगी, ये सब चीजें तय हो जाएगा। लेकिन पिछले दिनों नीतीश कुमार से महेश्वर सिंह की मुलाकात हुई थी और कहीं ना कहीं अब महेश्वर सिंह आरसीपी सिंह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। जदयू में ही महेश्वर सिंह थे और वो पार्टी छोड़ राजद में शामिल हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से बागी होकर उन्होंने जब चुनाव लड़ने का फैसला लिया था तो एक चीज तय थी कि एमएलसी चुनाव में जो चुनाव है वो पार्टी स्तर पर कम होकर जनप्रतिनिधियों के साथ जिनका संबंध कोऑर्डिनेशन सही होता है वो जीत कराते हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर वो अभी अभी मुलाकात करने पहुंचे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर भी कई बार बातचीत हुई थी और अब आरसीपी सिंह से मुलाकात करने पहुंचे हैं महेश्वर सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, आरसीपी सिंह को लेकर भी फैसला आज लिया जाना है। हो सकता है आरसीपी सिंह के नामों का ऐलान हो, हालांकि आरसीपी सिंह ने तय कर दिया है कि वो ही जा रहे हैं जदयू कोटे से। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महेश्वर सिंह मुलाकात करने पहुंचे हैं और इसके पहले नीतीश कुमार और ललन सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई थी। यानी ये राज्यसभा चुनाव जी का जंजाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जदयू के अंदर और राजद के अंदर। अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़ा झमेला होगा और आरसीपी सिंह मुलाकात कर रहे हैं अपने तमाम करीबी नेताओं से। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।